कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम हे कृष्ण बलराम जय 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 राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद
जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकाचार्य अष्टोत्तर्ष श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की श्री मायापुर धाम की कृष्ण बलराम मंदिर की और ग्लोरी टू द सिंबल देवोदी ऑल ग्लोरीज टू द सिंबल देवोदी ऑल ग्लोरीज टू द सिंबल देवोदी ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंगा नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने निर्विशेष श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आज हम 26वां श्लोक कर रहे हैं 5वां अध्याय और 8वां स्कंद 8वां स्कंद 5वां अध्याय और 26वां श्लोक श्री ब्रह्मोवाच अविक्रियं सत्य मनंतमाद्या गुहाशयं निष्कलं प्रकृतकार्यम् मनोऽग्रयानं वचसा निरुक्तम् नमामहे देववरम् वरेण्या अविक्रियं सत्यमनान्तमाद्या
गुहाशयं निष्कलं प्रातकार्यम् मनोऽग्रयानं वचसा निरुक्तम् नमामहे देव वरं अभिक्रियं सत्यमनोदमाद्यम् सुहातरं नमामहे देवतामहात्मन् श्री ब्रह्मा उवाच। ब्रह्मा जी ने कहा, अविक्रियम् भौतिक अस्तित्व से विपरीत अविकारी भगवान श्री भगवान को सत्यम सनातन परम सत्य अनंतम अनंत आद्यम समस्त कारणों के आदि कारण गुहाशयम प्रत्येक के हृदय में उपस्थित निष्कलम शक्ति का ह्रास हुए बिना अप्रवर्तक्यम अचिंत्य जो भौतिक तर्कों की सीमा से परे है
मनः अग्रयानम्। मन से भी अधिक वेगवान, मानसिक तर्क से परे, वाचसा शब्द जाल से, अनिरुक्तम अवर्णनीय, नमामहे। हम सभी देवता आपको नमस्कार करते हैं। देववरम, उन परमेश्वर को जिनकी ना तो कोई तुलना कर सकता है ना उनसे बढ़कर है। वरेण्यम, परम पूज्य, जिनकी पूजा गायत्री मंत्र द्वारा की जाती है। अनुवाद, ब्रह्मा जी ने कहा, हे परमेश्वर, हे अविकारी, असीम परम सत्य, आप हर वस्तु के उद्गम हैं। सर्वव्यापी होने के कारण आप प्रत्येक हृदय में और परमाणु में भी रहते हैं। आप में कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते। निसंदेह आप अचिंत्य हैं। मन आपको कल्पना से नहीं ग्रहण कर सकता और शब्द आपका वर्णन करने में असमर्थ है। आप सबके परम स्वामी हैं, अतएव आप हर एक के आराध्य हैं। हम आपको आदर सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, आज ये श्लोक और अनुवाद और तात्पर्य बहुत लंबे, इसलिए मैं जल्दी गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि इसके अंत तक हमारा पहुंचने का कोई चांस हो जाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कोई भौतिक सृष्टि की वस्तु नहीं है। प्रत्येक भौतिक वस्तु एक से दूसरे रूप में बदलती रहती है। उदाहरणार्थ, मिट्टी से पहले मिट्टी का पात्र बनता है और मिट्टी के पात्र से पुनः मिट्टी बनती है। हमारी सारी सृष्टियां क्षणिक एवं अस्थाई हैं, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शाश्वत हैं। इसी प्रकार जीव जो श्री भगवान के अंश हैं, वे भी शाश्वत हैं। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सनातन या शाश्वत हैं और व्यक्तिगत जीव भी सनातन है। अंतर इतना ही है कि कृष्ण श्री कृष्ण अर्थात भगवान परम सनातन है और जीव सूक्ष्म अंश रूप सनातन है। जैसा कि भगवद गीता 13:3 में बताया गया है, क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रज्ञो भारत। यद्यपि भगवान एक व्यक्ति हैं और सारे वृष्टि जीव भी व्यक्ति हैं, किंतु श्री भगवान जीवों से विपरीत विभु सर्वव्यापी तथा अनंत हैं। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये आठवां स्कंद है और इसमें गजेंद्र मोक्ष की कथा हो चुकी है। अब बाकी का आठवां स्कंद जो है वो समुद्र मंथन की ओर जा रहा है। समुद्र मंथन की ओर जाने से पहले देवताओं को श्राप मिला है और देवता असुरों से हार गए हैं और अब ये देवता लोग ब्रह्मा जी को लेके भगवान के पास गए हैं। क्षीर सागर में शिरोदक्षाय विष्णु के पास गए हैं और वहाँ पे प्रार्थना करने से शिरोदक्षाय विष्णु प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जो इन सब के देवी देवताओं के लीडर हैं ये सबकी तरफ से भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और भगवान का साथ साथ में गुणगान कर रहे हैं। नमस्कार गुणगान साथ में ही चलता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे परमेश्वर, परमेश्वर कौन कौन समझता परमेश्वर कौन है? केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। नारायण, नारायण भी परमेश्वर है और सारे बाकी के विष्णु तत्व वो परमेश्वर नहीं है, कृष्ण में आगे। हाँ, तो फिर केवल कृष्ण नहीं कहा जा सकता ना, सारे विष्णु तत्व परमेश्वर हैं। ये दोनों शब्द आपस में एक तरह से जुड़े हुए हैं। हे परमेश्वर, हे अविकारी, अविकारी का अर्थ है जिसमें कोई विकार नहीं है। तो जैसे देवी देवता लोग होते हैं उनको भी हम ईश्वर कह सकते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो भी ईश्वर हैं। देवी देवता लोग सारे ईश्वर हैं और देवियां ईश्वरियां हैं, लेकिन इन सब के ऊपर, ईश्वरों के ऊपर एक है जिनको हम कहते हैं, वो महेश्वर हैं। महेश्वर केवल एक हैं जिनकी शिवरात्रि आपने कुछ दिन पहले मनाई, वो एक हैं। ईश्वरों के ऊपर महेश्वर, जो महेश्वर होते हो, बहुत सारे नहीं होते, ये भी महेश्वर है, ये भी महेश्वर है, ये भी एक महेश्वर, एक महेश्वर है। और महेश्वर से भी ऊपर परमेश्वर, परमेश्वर नाम से ही पता लगता है। हम लोग ये नाम बचपन से जानते हैं लेकिन शायद कभी सोचते नहीं इस बारे में कि ईश्वर और महेश्वर और उनके भी ऊपर परमेश्वर। तो कोई महेश्वर है, महा है, और या कोई परम है, तो कौन हायर होगा? परमेश्वर, परमेश्वर अबव महेश्वर। लेकिन अंतर क्या है? परमेश्वर और महेश्वर में अंतर क्या है? ईश्वर और महेश्वर, ईश्वर और परमेश्वर में अंतर क्या है? महेश्वर और परमेश्वर में अंतर क्या है? अंतर क्या है वो नेक्स्ट शब्द है। हे अविकारी, अविकारी
अविकारी मतलब जिसमें विकार नहीं है। विकार से अर्थ है जो कभी कोई गलती नहीं करते। तो कभी आपने सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, देखा है, सुना है किसी से कि ब्रह्मा ने कभी कोई गलती की हो? ब्रह्मा गलती कर लेते हैं, कर लेते हैं, कर लेते हैं, रोज रोज नहीं करते लेकिन कभी कभी कर लेते हैं। क्या गलती की ब्रह्मा ने? कृष्ण को आम मनुष्य समझ दिया कि ये छोटा सा बालक जिसके मुंह में छोटे छोटे दूसरे बच्चे घास डाल रहे हैं। पहले कहते हैं तू अपना मुंह खोल, आंख बंद, मेरी मां ने तेरे लिए संदेश भेजा है, तेरे मुंह में खिलाऊंगा, और उठा के घास डाल दी, किसी ने फूल डाल दिया। अब भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके मुंह में आप फूल खिला दो। भगवान पत्रम पुष्पम फलम तो हम एक्सेप्ट करते लेकिन मुंह में नहीं तो ब्रह्मा क्या हो गए? ब्रह्मा विमोहन, ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा विमोहित हो गए, मतलब ब्रह्मा परफेक्ट नहीं है। हमारे हिसाब से बहुत परफेक्ट, लेकिन पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। उनके ऊपर है महेश्वर, महेश्वर परफेक्ट हैं, वो कभी गलती नहीं करते, कर लेते हैं। शास्त्रों में बहुत सारी जगह बताया गया कि महेश्वर भी कभी कभी गलती कर लेते हैं। जो लोग अभी अभी आ रहे हैं वो आगे आगे आने की कृपा करें, रास्ते को रोके नहीं, रास्ता बंद नहीं करें। मुझे बहुत खुशी है आप सब लोगों को देख के। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1975 में श्रील प्रभुपाद ने इस मंदिर में, इस कौन वृंदावन में पहली बार स्वयं क्लास देके इंग्लिश की भागवतम क्लास स्टार्ट की थी, और तब से लेके इंग्लिश की भागवतम क्लास ही यहाँ रोज चलती थी। 1985 में पहली बार ये हिंदी की क्लास मैंने शुरू की थी, और अब मुझे आप सब लोगों को देख के इतना गर्व होता है कि इंग्लिश वाली क्लास से ज्यादा तो लोग यहां हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है आप सब लोगों को ये हिंदी की क्लास लेते हुए। जब मैंने शुरू की थी तो तीन भक्त यहाँ पे ऐसे थे जिनको हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं आती थी, एक शब्द भी इंग्लिश का नहीं आता था। आप सबको तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी लेकिन फिर भी आप हिंदी प्रेफर करते हो, लेकिन उनको एक शब्द भी हिंदी इंग्लिश का समझ में नहीं आता था। तो ये जो गुरुकुल बिल्डिंग है उसके अंदर मेरा ऑफिस था, और मैं वहीं पर ये क्लास उन भक्तों के लिए किया करता था। बाद में वो क्लास वहाँ पर बढ़ती गई, और जब हमें ये वाली प्रॉपर्टी मिल गई तो यहाँ पे बलराम हॉल बना के हिंदी की क्लास को यहाँ मूव कर दिया गया। तो आप सब लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके लिए थोड़ा सा ताली बजाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो दो शब्द बताए गए हैं, परमेश्वर और अविकारी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। परमेश्वर से अर्थ है जो अविकारी है, कोई विकार नहीं, कभी विमोहित नहीं होते, कभी गलती नहीं करते, कभी कुछ गलत नहीं करते। कभी किसी ने सुना है, देखा है, पढ़ा है कि भगवान विष्णु से, नारायण से, किसी भी विष्णु के रूप से कोई गलती हो गई हो, कभी वो विमोहित हो गए हों, कभी उन्होंने कुछ मिस्टेक कर लिया, कोई विकार नजर आ गया, नहीं सुना ना? तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। हे असीम परम सत्य, परम सत्य वो सत्य, जैसे कि हम कहते कोई चीज सत्य है,
इंग्लिश में कहते हैं कोई चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब, जैसे कि एग्जांपल हमें बचपन में दिया गया था, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है सन राइज फ्रॉम ईस्ट सेट्स इन वेस्ट। हमेशा सन ईस्ट से ही निकलेगा और वेस्ट में ही डूबेगा। लेकिन ये किसके लिए यूनिवर्सल ट्रुथ है? केवल इस यूनिवर्स के लिए, केवल इस पृथ्वी के लिए। इस पृथ्वी पे केवल ऐसा होता है, और दूसरे ब्रह्मांडों में, दूसरी इस तरीके के प्लैनेट्स में यूनिवर्सल ट्रुथ कुछ और हो सकता है। तो इसलिए जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो केवल इस यूनिवर्स में अप्लाई होता है, लेकिन जो परम सत्य है वो किसी भी रियल्म में बदलता नहीं है। मतलब कि किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी प्लैनेट पे, कहीं पे भी चले जाओ, आपको ये नहीं सुनने को मिलेगा कि परमेश्वर अविकारी परम सत्य भगवान कृष्ण के अलावा कोई और है। सब जगह यही है। इसका अर्थ है परम सत्य। आप हर वस्तु के उद्गम है। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते, भगवद गीता में, कि सब चीज मुझसे ही उत्पन्न होती है। आप हर चीज के उद्गम है। सर्वव्यापी होने के कारण आप प्रत्येक शरीर में, आत्मा में और कण कण में, इस संसार के कण कण में भगवान है। कौन से भगवान है? परमात्मा, परमात्मा के रूप, कृष्ण का परमात्मा स्वरूप में हर कण में भगवान है, और घट घट में भी वही परमात्मा है। चींटी के शरीर में, हाथी के शरीर में, कुत्ते के शरीर में, ब्राह्मण के शरीर में, चंडाल के शरीर में, वो सेम परमात्मा है। आप में कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते, ये विचार करने वाला सेंटेंस है। आप में कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते। भगवान को कहा जा रहा है कि आप में कोई गुण नहीं पाए जाते या भौतिक गुण नहीं पाए जाते। क्या मतलब है उस बात का? भौतिक गुण क्या होते हैं? हाथ ऊपर करके बताओ, भौतिक गुण क्या होते हैं? अपने आप से बोलना नहीं है। कौन बोल रहा है? ओ, आपने हाथ ऊपर किया था। मैंने कहा आपको बोलने के लिए। जी बोलिए, आप बोलिए। जी बोलिए। जो चेंज होते रहते हैं वो भौतिक है। यस, थैंक यू। तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण, ये भी भौतिक गुण है। और जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि भगवान के नहीं होते। और लस्ट, ग्रीड, एंगर, ये भी भगवान में नहीं है। जो माया से संबंधित है, कोई भी गुण जो माया से संबंधित है, जैसे कि माताओं की तरफ। जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नहीं पाया जाता भगवान में। भौतिक, इसको कहा जा सकता है कि भौतिक गुण नहीं पाए जाते। वेरी गुड, सबके उत्तर ठीक थे, अच्छे थे। लेकिन और भी ज़्यादा समझने के लिए, भौतिक गुण किस में है? हम सब में तो कुछ ना कुछ भौतिक गुण है। क्या गुण है हम में? पुरुषों के लिए, यंग बॉयज के लिए कहा जा सकता है कि देखो, ये 50 किलो का खुद है और 100 किलो वजन उठा सकता है। भौतिक गुण है। पता नहीं कल को मेरी उम्र में आ जाएगा, 50 किलो भी उठा पाएगा कि नहीं।
भौतिक गुण है, ये समय के साथ साथ डिटेरिएट हो जाएगा, पूरी तरह से भौतिक है। कोई माताओं के लिए कहा जा सकता है, कोई यंग लड़की है, अरे इसको दाल बनानी भी आती है, सब्जी बनानी भी आती है, रोटी भी गोल बना लेती है, गुण है, भौतिक गुण है। भगवान में ऐसे भौतिक गुण नहीं है। जैसे एक बार मैं बहुत बड़े पंडाल प्रोग्राम में प्रवचन कर रहा था, तो गोवर्धन लीला की के लिए मुझे बुलाया गया था। तो जब मैंने गोवर्धन लीला बताई और उसके बाद भक्तों से प्रश्न किया कि जिसको कोई प्रश्न पूछ ले, तो एक नया व्यक्ति काफ़ी पढ़ा लिखा शायद होगा, वो खड़ा हो गया हाथ ऊपर करके और पूछा मेरे से, प्रभु जी आप तो पढ़े लिखे लगते हो। मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, समझदार भी लगते हो क्या? उतना तो मुझे पता नहीं कितनी समझ है, लेकिन फिर भी समझता तो हूँ मैं अपने आप को समझदार। तो उसने मेरे को पूछ लिया, क्या आपको वास्तव में ऐसा लगता है कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया होगा, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया होगा? उस बेचारे को विश्वास नहीं हो रहा। उसने स्कूल में वो सब उल्टी उल्टी पुस्तक पढ़ी हुई है जिनमें सत्य कुछ नहीं लिखा और झूठ भरा है, उसी तरह से उसका माइंड चलता है। तो मैंने उसको पूछा कि तूने अपने स्कूल की बुक में ये पढ़ा था कि ये पूरी पृथ्वी ऐसे ही आकाश में घूम रही है, किसी चीज पे रखी हुई नहीं है, ऐसे भी रोटेट हो रही है, ऐसे भी रोटेट हो रही है, कहीं रखी हुई नहीं है किसी चीज के ऊपर, ऐसे रखी नहीं हुई कि जी हां। तो मैंने कहा तू वो बिलीव कर सकता है कि पूरी की पूरी पृथ्वी ऐसे ही आकाश में घूम रही है, ऐसे भी रोटेट हो रही है, ऐसे भी रोटेट हो रही है, और तुझे इतना बिलीव नहीं हो रहा कि भगवान ने ये उठा लिया? अरे जिस भगवान की इच्छा मात्र से ये पूरी की पूरी पृथ्वी ऐसे भी रोटेट हो रही है और ऐसे भी हो रही है और सब जगह जा रही है, उसने उसी भगवान ने अगर गोवर्धन पर्वत भी उठा लिया तो क्या बड़ी बात हो गई। तो भगवान कितना वजन उठा सकते हैं? जब ओलंपिक्स में मुकाबले होते हैं तो वजन उठाने के लिए आपके शरीर का वजन देखा जाता है कि आप 100 किलो की श्रेणी में हो, 50 किलो की श्रेणी में हो, उसके हिसाब से वजन उठाओगे। तो कोई अपने शरीर का डबल उठा लेता है, कोई बहुत ज़्यादा उठा लेगा, अपने शरीर का 3 गुना 4 गुना उठा लेगा, बस उससे ज़्यादा। लेकिन भगवान में कोई ऐसा भौतिक गुण नहीं है। भगवान अपने शरीर के वजन का कितना गुना और उठा सकते हैं? कोई लिमिट नहीं कोई लिमिट नहीं। उठा क्या सकते हैं? क्या और रियली भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, या गोवर्धन पर्वत उनकी इच्छा मात्र से ऊपर हो गया और उन्होंने अपनी छोटी उंगली उसके नीचे लगा ली? कौन सी बात सत्य है? क्या भगवान ने वास्तव में गोवर्धन पर्वत उठाया, या गोवर्धन पर्वत को कहा ऊपर हो मैं तेरे नीचे उंगली लगा के खड़ा होने वाला हूं? संकल्प मात्र से गोवर्धन पर्वत में क्या मजा ले, जो ये सारी पृथ्वी उनकी इच्छा से घूम रही, किसी भी चीज में क्या मजा ले के भगवान गए चल ऊपर, और वह अपना प्रेम से उसके नीचे उल्टे हाथ की छोटी उंगली लगा के खड़े हैं। किसी ने देखा वो ऐसा पिक्चर या वीडियो या कुछ भी, भगवान के ऊपर कुछ ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत वजन उठाना पड़ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, वो आराम से खड़े हैं। कोई जहां पे वो खड़े थे पर्वत के भार से, शायद वहां धरती धस गई होगी, कुछ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उनकी
इच्छा मात्र से। तो अगर हम पूछें भगवान अपने शरीर के वजन का कितना वजन उठा सकते हैं, कितना गुना उठा सकते हैं, भगवान में कोई ऐसा भौतिक गुण नहीं है। समझने के लिए आप सब ने भी बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए कि प्रकृति के तीन गुणों से भी परे हैं और ये सब। आप में भौतिक गुण नहीं पाए जाते, निसंदेह ही आप अचिंत्य हैं। अचिंत्य मतलब कौन बोला, हाथ ऊपर किया था, हाथ ऊपर किया जाता है फिर कहा जाए आप बताइए तो फिर आप बताएं, लेकिन थैंक यू। अचिंत्य जो कल्पना से भी परे है। बहुत से लोग कल्पना नहीं कर पाते भगवान की या भगवान कैसे होंगे। बहुत से लोग जो भगवान को मानते हैं, श्रद्धावान है, वो भी कल्पना करने में फेल हो जाते हैं। बहुत से लोग भागवतम पढ़ते हैं, सारी भागवतम पढ़ रखी है, सैकड़ों बार पढ़ रखी है, पूरी तरह से पारंगत हैं, अभी भी भगवान पूरी तरह से समझ में नहीं आए, पूरी तरह से अभी समझ में नहीं आए। एक बार ब्रह्मा जी भगवान को समझने के लिए चाहते थे, कोशिश की, तो नारायण के पास गए, उन्होंने कहा कि आपको मैं पूरी तरह से समझना चाहता हूँ, फिर कुछ चाहिए तो तप करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ठीक है मैं तैयार हूँ तप करने के लिए। तप करने के लिए गए, 1000 वर्ष तक तपस्या की और वापस आ गए। अब नारायण ने पूछा आप तप करने गए थे कि हाँ, मुझे समझना चाहते जी हाँ, समझ गए मुझे कि जी नहीं, तपस्या अंत हो गई कि हाँ, तो तपस्या अंत कैसे हो गई आपकी। तो ब्रह्मा कहते हैं जी मुझे 1000 वर्ष तपस्या करके ये समझ में आ गया कि मैं आपको कभी समझ नहीं पाऊंगा, इसमें तपस्या अंत हो गई, मैंने कर ली अपनी कोशिश। जीव का धर्म है कोशिश का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हम कभी भी भगवान को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उस दिन हम 1 सेकंड में भगवान को समझ जाएंगे जिस दिन वो चाहेंगे कि ये जीव मुझे समझ जाए। भगवान का एक नाम अधोक्षज है, अशोक अधोक्षज का मतलब बियॉन्ड, अचिंत्य। अब भगवत गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा जेह पुनर्जन्म नेति मा मेति स्वार्जुन। जो मुझे समझ गया, मेरे जन्म को, मेरी लीलाओं को समझ गया, मतलब मेरे जन्म को, मेरी लीलाओं को समझ गया, इसका मतलब भगवान को समझ गया, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। तो क्या हमारा दोबारा जन्म हो ना होने की कोई पॉसिबिलिटी है। भगवान हमें समझ में आए, ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक की तपस्या कर ली, उनको तो समझ में नहीं आए तो मेरी क्या बिसात है, मेरा क्या होगा, इसका मतलब कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब मेरा दोबारा जन्म नहीं हो। आएगा, अवश्य आएगा, क्योंकि जब भगवान चाहेंगे कि ये जीव मुझे समझ जाए तो हम 1 सेकंड में समझ जाएंगे। आगे बताया गया वर्णन करने में मन आपकी कल्पना ग्रहण नहीं कर सकता, शब्द आपका वर्णन करने में असमर्थ है। शब्द कैसे असमर्थ हो सकते हैं, भगवान का वर्णन करने में शब्द कैसे असमर्थ हो सकते हैं, शब्द ऐसे असमर्थ हो सकते हैं कि जो कार्य शब्दों से किया नहीं जा सके मैं आपको बता नहीं सकता। जब भगवान ने ये सारे मृत्यु लोक को अपने सर पे धारण करने का सेवा अनंत शेष को दिया, तो अनंत शेष ने भगवान से पूछा कि सारा पृथ्वीलोक, सॉरी नॉट पृथ्वीलोक, सारा भौतिक संसार, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये सब मैं अपने सर पे धारण कर लूं,
क्या तो मेरे नीचे कौन रहेगा, मुझे कौन सहारा देगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा कच्छप रूप में। कच्छप रूप में नीचे भगवान है, उस उनके ऊपर अनंत शेष, और अनंत शेष ने ये सारी मृत्यु लोक को अपने सर पे उठाया हुआ है। तो जब अनंत शेष ने पूछा कि मैं कब तक, मुझे ये सेवा मिली है कब तक के लिए, भगवान ने कहा ऐसे करना, तुम अपने 1000 मुखों से, अनंत शेष मतलब 1000 भी नहीं, अनंत मुख हैं उनके, उन सब से मेरा गुणगान करते रहना। जिस दिन वो गुणगान खत्म हो गया, आपकी सेवा एंड हो जाएगी। अब अनंत शेष समझ गए ये सेवा एंड नहीं होने वाली, क्योंकि इनका गुणगान कभी खत्म नहीं होने वाला। तो उसका अर्थ है कि शब्द आपका वर्णन करने में, भगवान का वर्णन क्या होता है, भगवान का वर्णन और भगवान का गुणगान वो एक ही चीज तो है। भगवान का क्या वर्णन होना है, भगवान का वर्णन तो केवल भगवान का गुणगान हो सकता है, और वो गुणगान कभी अंत नहीं होगा। इसका मतलब शब्दों में उसको किया नहीं जा सकता। शब्द अंत हो जाएंगे, डिक्शनरी अंत हो जाएंगी, लैंग्वेजेस अंत हो जाएंगी, सारा ज्ञान अंत हो जाएगा, लेकिन उनका गुणगान अंत नहीं होगा। आगे बताया, आप सबके परम स्वामी हैं, अतएव आप हर एक के आराध्य हैं। हर एक के मतलब 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों में सब का अधिकार है कि भगवान की आराधना करें। 80 लाख योनि तो इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, लेकिन 4 लाख मनुष्य योनि जो हैं उसमें टॉप पे ब्रह्मा है, और लगभग बॉटम में हम लोग हैं, बीच में सब तरीके के देवी देवता, हायर बीइंग्स और ये सब आते हैं। तो हम सबका 4 लाख योनियों का ये के लिए भगवान और ज़्यादा आराध्य हैं, लेकिन सब के लिए वो ही आराध्य हैं, ऑल द वे फ्रॉम बॉटम टू ब्रह्मा। ब्रह्मा भी उनकी पूजा करें ठीक, और ब्रह्मा के ऊपर कौन है, महेश्वर। वो किसके नाम का जप करते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कोई भौतिक सृष्टि की वस्तु नहीं है। जो कुछ भी हमें जहां कहीं भी नजर आ रहा है वह क्या है, भौतिक। भगवान उसमें से कुछ भी भौतिक नहीं है। प्रत्येक वस्तु एक से दूसरे में रूप बदलती रहती है। उदाहरणार्थ, मिट्टी से पहले मिट्टी का पात्र बनता है और मिट्टी के पात्र से पुनः मिट्टी बन जाती है। हम सब लोग जो कुछ भी दिख रहे हैं, बाकी और भी जो कुछ हमें दिख रहा है, कहां से आया, मिट्टी से। सब कुछ मिट्टी का बना है। ये प्लांटर मिट्टी का, उसके अंदर मिट्टी, तुलसी जी मिट्टी से निकल रही हैं, वन को चली जाएंगी, कहाँ चली जाएंगी, वापस मिट्टी में चली जाएंगी। इसी तरह से सभी कुछ मिट्टी में से आया और मिट्टी में वापस चला जाएगा। जैसे वो दोहा है, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा
मैं रोंदूंगी तो। जो कुमार है वो माटी को बहुत मारता है, कूटता है, उसको चूरा बनाता है उसके। तो माटी उससे कहती है एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे मैं रोंदूंगी। अल्टीमेटली जैसे मूवी होती है तो लास्ट में विजय किसकी होती है? हीरो की। सारे मूवी में चाहे विलन जीतता रहे, अंत में तो हीरो ही जीतेगा। तो उसी तरह से माटी कह रही है एक दिन तो तेरी तेरी कचरी मैं ही बनाने वाली हूं, तू कर ले जो तुझे करना है, एक दिन तो मेरे हाथ में ही आएगा। तो वही यहां बताया जा रहा है। हम उसको बचपन में ऐसे भी कहा करते थे, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, बनकर चाय एक दिन मैं रोंदूंगी तोए। तो चाय भी माटी से ही बनती है, और चाय के लिए कितने लोग मरते हैं, आप में से तो कोई नहीं, लेकिन बाहर जाके देखो, चाय के लिए भीख मांगते हर दूसरा आदमी जो भिखारी है वो चाय के लिए भीख मांग रहा है। लेकिन आपसे कहेगा जैसे कोई बड़ा पुण्य का काम आपको करवाना चाहता हो, एक चाय पिलवा दो। और भक्तों का मूड ऑफ हो जाता है ये बात सुनते ही, चाय पिलवा दो। रोटी नहीं मांग रहा कोई, मिलता है कोई रोटी मांगता, रोटी कोई नहीं मांग रहा, चाय सबको चाहिए। तो चाय उनको रोंद रही है, वो भी माटी से ही बनी है। हमारी सारी सृष्टियां क्षणिक व अस्थाई, हमारी सारी सृष्टियां से अर्थ है हमारा सारा संसार। जैसे हम कहते हैं संसार दावा नलली ढलोका त्राणाय कारुण्य घन घनात्म। एक होता है संसार और एक होता है जगत। किसी को अंतर मालूम है, ये जगत या ये संसार? कौन बताएगा, जगत या संसार? यस, यस, ये माला प्रभु जी को। जगत प्राकृत जगत है जो सबको दिखता है, सबका एक है, हम सबका जगत एक है, प्राकृत है, सबको दिखता है। लेकिन संसार उसको कहते हैं जो मैंने अपना बनाया हुआ है, सबने हमने अपना अपना बनाया हुआ है, ये मेरी माँ, ये मेरे पिताजी, ये मेरी बिटिया, ये मेरा बेटा, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पड़ोसी, ये मेरा घर, ये मेरा संसार। तो शास्त्रों में संसार उसको कहा जाता है जो मेरा है, मैं और मेरा, वो मेरा संसार है। जो जगत है, जगत तो सबका है, इस जगत में हम सब ने अपने अपने छोटे छोटे संसार बना के बैठे हुए हैं। और वो संसार के बारे में यहाँ लिखा है कि वो क्षणिक है और अस्थाई है, वो संसार समाप्त हो जाएगा। अब से कुछ साल पहले मेरे दो बच्चे मेरे साथ में रहते थे, ये मेरा संसार था। अब वो शादियां हो गई, अपने अपने चले गए, उनकी माँ और मैं सारे संसार में धक्के खाते घूमते हैं और भगवान नाम का प्रचार करते, जो कुछ भी जहाँ कहीं भी वानप्रस्थ लेके जाते हैं, करते हैं। तो अब वो संसार कहाँ गया जिस संसार में रह के हमने अपने बच्चे पाले थे? वो संसार अब समाप्त, क्षणिक था, अस्थाई था, फिनिश्ड। अब उसके बाद लोग अपना नया संसार, मुझे श्योर है आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एम्प्टी नेस्टर्स, जिनके बच्चे बड़े हो गए, उनको निपटा दिया सब,
फिनिश हो गया, अब नई शुरुआत, अब एक नया संसार बनाएंगे, नया संसार। और धन्य वो लोग, आप लोग जो वो संसार बनाने के लिए यहां आए हो, नहीं तो कहीं भी जाके कैसे भी उसको बना सकते थे। तो हम उन लोगों को धन्य मानते हैं कि वो अपना क्षणिक संसार या अस्थाई संसार को परमानेंट संसार। अब अगर आपने भगवान से रिलेशनशिप बना ली, कृष्ण कृपा, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया, तो क्या वो संसार क्षणिक रहेगा? वो तो परमानेंट हो जाएगा वो संसार। फिर अब ये जीव कहीं भी जाए, किसी भी शरीर में जाए, किसी भी स्थान पे जाए, जब वो भगवान से रिलेशनशिप जुड़ गई, कृष्ण प्रेम हो गया, तो अब वो संसार क्षणिक नहीं रह गया, अब तो वो परमानेंट हो गया, क्योंकि मैं भी परमानेंट हूं और भगवान भी परमानेंट हैं, तो सब कुछ परमानेंट हो गया। अभी तक जो हमारा क्षणिक संसार था, उसमें हमने मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरा नाती, ये वो, अब समझ में आ रहा है वो कुछ नहीं है। और अगर है भी, तो जिस दिन ये शरीर छूटा, उस दिन सब फिनिश्ड। अगर है भी, तो भी टेम्परेरी है। आगे बताया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शाश्वत हैं। इसी प्रकार जीव जो भगवान के अंश हैं, वे भी शाश्वत हैं। ओ, टाइम तो रहा नहीं। किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? किसी को कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, जो मैंने बताया उसमें से अगर प्रश्न नहीं भी है, तो जो मैंने नहीं बताया उसमें से कोई प्रश्न हो, भागवत गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, यशोपनिषद, जीव ईश्वर से अलग क्यों हुआ? यहाँ पे भगवान बताते हैं, ममे वंशे जीवलोके जीवभूत सनातन। ये सब जीवों को मैंने बनाया अपनी सेवा के लिए, टू लव मी, मुझसे प्रेम करेंगे ये मेरे अंश। तो जब तक हम भगवान से प्रेम करते रहे, उनकी सेवा में हम मस्त रहे, तब तक हम भगवान के साथ थे। एक दिन हमारे मन में ये आया, सारी सेवा भगवान की, मेरा क्या, मेरी तो कोई नहीं करता, मैं ही करता रहा हूं सब सेवा। जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, अभी कुछ करना सीखे हैं थोड़ा बहुत, तो उनको कुछ काम बताया जाता है, तो दो काम करके फौरन बैठ जाते हैं, कहते हैं अब सारे घर का काम मैं ही करूंगी, अब सब कुछ मेरे से ही करवाओगे आप लोग। तो जब ये हमारे मन में विचार आ जाता है कि सब दिन मैं ही सेवा करूं, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, जाओ जाके आप भी सेवा तुल्य हो जाओ। जिस घर में जन्म लोगे, माँ बाप खूब सेवा करेंगे आपकी, और बाद में आप खूब करोगे उनकी। तो ये 99 के चक्कर में इस भौतिक संसार में हमें भेज दिया जाता है। सॉरी, प्रश्न क्या था आपका? हाँ, तो भगवान ने हमें अपने आप से अलग किया। भगवान कहते हैं, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादया पूर्णमेवावशिष्यते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान पूर्ण है, पूरी तरह से परिपूर्ण है, उनके सारे अंश भी पूर्ण है, हम सब उनके अंश हैं, हम आप अपने आप में भी पूर्ण है, और हम सबको अपने से अंशों को अलग करके भी भगवान फिर भी पूर्ण के पूर्ण ही रहते हैं। तो बनाया तो था उन्होंने हमें अपनी सेवा के लिए, और हम में से ज़्यादातर अभी भी भगवान की सेवा में ही है, लेकिन कुछ जो भटक गए, भगवान से विमुख हो गए, अपनी सेवा चाहते थे, उनको भगवान ने इस मृत्यु लोक में भेज दिया कि आपको एंजॉय करना है अपने आप से, तो जाओ करो। ये इस तरीके की बात है, जैसे ये हाथ है, ये अगर जो मुझे हलवा खाना है तो कौन खिलाएगा? ये हाथ खिलाएगा, सभ्य तरीके से तो ये हाथ ही खिलाएगा। और अगर ये हाथ कहे कि मैं मुंह क्यों क्यों खिलाऊं, मुझे तो खुद हलवा खाना है, तो यह हाथ हलवा खाने का ट्राई कर सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कभी खा पाएगा? उसको एंजॉय करेगा, करने की कोशिश करेगा ऊपर ऊपर से, लेकिन उसका न्यूट्रिशन, उसका टेस्ट कभी इस हाथ को प्राप्त नहीं होगा। जब वो हाथ इस मुंह को खिलाएगा तो उसका न्यूट्रिशन, उसका टेस्ट, सब कुछ इस हाथ को प्राप्त होने लगेगा। तो हम इस संसार में इस हाथ की तरह हैं जो हलवे को अपने आप से एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमें पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि हलवे को एंजॉय करने के लिए मुंह को खिलाना पड़ेगा, मतलब कृष्ण सेवा में वापस जाना पड़ेगा, तो फिर हमारी यहाँ से मुक्ति हो जाएगी, यहाँ पे रहने का कोई पर्पज नहीं रह जाएगा। ठीक है, पीछे किसी ने हाथ ऊपर किया जी? Yes. जी जी हाँ जी जी ये सब महत्तत्व में, शून्य में, जब जीव की को भगवान के घर वापस जाना है तो वो मन बुद्धि अहंकार शून्य में, वे महत्तत्व से आए, महत्तत्व में वापस चले जाएंगे, और जीव शुद्ध हो के, आत्मा शुद्ध हो के अपने घर वैकुंठ धाम में चली जाएगी, जहाँ पे उसका जो आध्यात्मिक शरीर है ऑलरेडी वेट कर रहा है। महत्तत्व में मिल जाएगा, ऐसा शास्त्रों में बताया गया। यस, आगे आ जाओ। Yes. आज की जनरेशन है कि चप्पल पहन के, जैसे कपड़े वैसे पहन के भगवान का नाम लेते चले जा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नाम लेने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी जो आपके बाप दादा किया करते थे वो अच्छा था, और हमारे सारे भक्त भी वही फॉलो करते हैं, सुबह को उठ के नहा धो के साफ कपड़े पहन के एक स्थान पे बैठ के या चल फिर के जप करते हैं। जप करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
आप एक स्थान पे बैठ के करो या चल फिर के करो। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि दिन में इतना ज़्यादा चलने फिरने का मौका नहीं मिलता, तो वो जप के समय चल फिर के अपना जप कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भगवान का नाम का जप किया, भगवान से कनेक्ट किया हमने अपने आप को, तो 24 घंटे में से 2-2.5 घंटे लगते हैं 16 माला जप करने में, उतने समय हम भगवान से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। और बाकी के समय भी, बाकी का भी समय हम भगवान की सेवा में ही लगाते हैं। जो कुछ भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं, जो कुछ करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो उनके लिए करते हैं। तो 24 आवर्स अ डे उस तरह से हमारा समय भगवत सेवा में बीतता है, उसमें से 2-2.5 घंटे जप और बाकी सब अलग अलग और अलग अलग तरीकों से भगवान की सेवा। ठीक है जी। श्री कृष्ण जी ने और श्री राम जी ने सबसे पहले स्त्री का ही वध क्यों किया? सबसे पहले स्त्री का वध क्यों किया? बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। यस 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 आपको लगता है भगवान आपके अंदर है? परमात्मा है। आपको क्या लगता है कि भगवद गीता परमात्मा ने बोली? भगवान ने बोली। भगवान आपके अंदर है? नहीं, वो परमात्मा स्वरूप है। तो वो अलग है, मतलब भगवान साक्षात ही है, उनका भगवान। भगवद गीता में ये भी बताते हैं कि वो परमात्मा रूप भी भगवान को रिप्रेजेंट करता है, ब्रह्म